दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राउज फीचर के बारे में, जो कि YouTube के ट्रैफिक सोर्स का एक फीचर है। इस फीचर का नाम जो है वो आपने अक्सर सुना ही होगा। इवन आपने अपने YouTube के ट्रैफिक सोर्स में भी ब्राउज फीचर का ऑप्शन तो देखा ही होगा, जहां पर वो दिखाता है कि ब्राउज फीचर की मदद से कितनी ऑडियंस है जो आपके YouTube चैनल पर आई। सो आज की इसी वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर जो ब्राउज फीचर का ऑप्शन है, इसकी मदद से किस तरह से ऑडियंस जो है वो हमारे YouTube चैनल तक आती है, या सीधी भाषा में कहें तो ब्राउज फीचर क्या होता है और हम जो है वो अपने YouTube चैनल पर ब्राउज फीचर को किस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, इस पर भी आज की इसी वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और आप देख रहे हैं टेक्निको। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो ब्राउज फीचर है ये किस तरह का ट्रैफिक सोर्स है और ये कैसे हमारे YouTube चैनल पर आता है। तो देखो दोस्तों, सिंपल है। जब भी आप अपना YouTube वीडियो बनाते हो, बनाने के बाद उसे अपलोड करते हो, तो YouTube जो है वो उसे सबसे पहले उसके साथ दो ही काम करता है। पहला काम तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो पूरे को तो वो आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता, बट उनमें से कुछ जो अमाउंट के आपके सब्सक्राइबर होते हैं वो उनको जो है वो आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन भेज देता है। सेकेंडली क्या करता है, जो भी ऐसे कुछ व्यूअर जरूर होंगे जो आपकी वीडियो जो है वो रेगुलरली बेसिस पर या फिर थोड़े थोड़े टाइम के गैप पर आपकी वीडियो जो है वो जरूर देखते होंगे और अच्छा खासा वॉच टाइम भी आपको देते होंगे आपकी वीडियो को भी। तो ऐसे में YouTube जो है वो उन सभी ऐसे लोग को जो आपकी वीडियो देखते हैं, उन सभी लोगों के मोबाइल या फिर लैपटॉप जिसमें भी वो आपकी वीडियो देखते हैं, वहाँ पर जो होम पेज होता है, चाहे वो उसके लैपटॉप या कंप्यूटर में खुला हो या फिर जो मोबाइल का होम पेज होता है YouTube के ऐप का, वहाँ पर जो आपकी वीडियो है वहाँ पर उन सभी लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। अब ऐसे में ये उन पे डिपेंड करता है कि वहाँ से कितने लोगों को आपका जो वीडियो है वो पसंद आता है या कितने लोग जो है वो आपकी वीडियो से इम्प्रेस होकर वहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके आपकी वीडियो को ओपन करके देखते हैं। तो जो भी ट्रैफिक इस तरह से आता है, चाहे वो मोबाइल से हो, लैपटॉप से हो या फिर पीसी से हो, अगर वो वहाँ होम स्क्रीन से अगर कोई आपके थंबनेल पर क्लिक करके आपकी वीडियोस को देखता है, तो जितने भी ऐसे व्यूज होंगे या जितना भी ऐसा ट्रैफिक सोर्स होगा वो सारा का सारा जो है वो ब्राउज फीचर में ही काउंट होता है, क्योंकि वो जो है वो उनके ब्राउज में ही एक तरह से ऐड होता है। वो डेली रेगुलर बेसिस पर जो भी देखते हैं उनमें से कहीं ना कहीं आपका चैनल भी होता है, आपकी वीडियो भी होती है। सो इसी वजह से YouTube जो है वो आपकी वीडियो को भी वहां पर ऐड कर देता है और वहां से वो लोग जब भी आपकी वीडियो को देख लेते हैं तो वो जो ट्रैफिक सोर्स है वो ब्राउज फीचर में काउंट हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों मेनली अगर हम कहें कि हम अपने चैनल पर ब्राउज फीचर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल खुद मैं भी करता हूँ। आप जो है वो अपने थंबनेल को इम्प्रूव करके जो ब्राउज फीचर है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब भी आपकी वीडियो जो है वो कहीं पर जाती है तो वहां पर लोगों को सिर्फ दो ही चीजें दिखती है, एक आपका वीडियो का थंबनेल और दूसरा आपके वीडियो का टाइटल। तो जाहिर सी बात है आपको इन्हीं दोनों चीजों में इम्प्रूवमेंट करना होगा, चाहे आप अपना थंबनेल जो है वो और बेहतर से बेहतर बनाएं या फिर आपके जो वीडियो का टाइटल है आप उसे और बेहतर तरीके से लिखें या उसमें बिल्कुल सही और सटीक चीजें लिखें जिसकी जानकारी की जरूरत है लोगों को या जिस चीज के वजह से लोग आपकी वीडियो को देखते हैं, वो चीज आप वहां पर ऐड करें और उसी चीज से रिलेटेड जो है वो आप अपना थंबनेल भी बनाएं बहुत ही सुंदर, नीट एंड क्लीन। तो इस वजह से जो लोग हैं वो आपका टाइटल भी पढ़ेंगे और आपका एक अच्छा सा थंबनेल देखकर आपके थंबनेल पर भी जरूर क्लिक करेंगे और इस वजह से जो आपका ब्राउज फीचर है वहां से बढ़ सकता है। दोस्तों यही था तरीका आपके YouTube चैनल पर ब्राउज फीचर को बढ़ाने का, और यही होता है ब्राउज फीचर जिसकी मदद से जो आपके चैनल पर जो है वो ट्रैफिक आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।